वहां पर थे और अब क्या होता है एक बार इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक टोंगा ड्राइवर को देख लेते हैं यानी कि जो हॉर्स ड्राइवर होता है उसे देखते हैं और उसके पास ये लिटिल बेबी मंकी होता है और इस बेबी मंकी को उन्होंने फीडिंग ट्रफ यानी कि जिसमें खाना रखते हैं एनिमल्स को खिलाने के के लिए उससे बांध के रखा होता है सो ग्रादर वॉज लाइक दिस मंकी लुक्स आउट ऑफ प्लेस यानी यहां पर ऐसे तरीके से जम नहीं रहा ऐसा लग रहा है कुछ तो यू you नो know, गड़बड़ है सॉर्ट sort ऑफ of. क्योंकि एक मंकी को आप एक फीडिंग ट्रफ से बांध के रखे हुए हो तो ये इमेज भी अगर हमारे दिमाग में फॉर्म होती है

डिसाइड करते हैं टू कीप दिस थिंग एज अ सीक्रेट यानी कि वो बेबी मंकी को घर पे ले आए हैं इस बात को वो ग्रैंड मदर को तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि वो एक अच्छे मूड में ना हो एंड दे डिसाइड टू कीप दिस मंकी इन अ बेडरूम जो कि क्या है नरेटर का रूम है और वहां पर वो इसे एक हुक की हेल्प से बांध के रखते हैं फिर कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और ये जो नरेटर हैं वो वापस आते हैं इन रूम ताकि वो फ्री कर सके टोटो को वो क्या देखते हैं कि हुक टूटा हुआ है और जो वॉलपेपर लगा हुआ था वॉल पर वो भी कहीं कहीं से फटा हुआ है और ब्रिक्स और प्लास्टर दिख रहे हैं एंड ऑल्सो नरेटर का जो स्कूल ब्लेजर है वो भी पीसेज में है वो श्रेडेड है तो ये देखकर नरेटर जो हैं हैं वो डर जाते हैं कि पता ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होगा बट जो ग्रैंड हैं वो बड़े खुश होते हैं ये देखकर कि टोटो के जो ये you know, थे या थी, वो उनको बड़ी इंप्रेस करती है, is, ये समझ आ जाता है कि उसको घर पर नहीं रख सकते तो ग्रैंड फादर जो है वहीं जहां पर सर्वेंट्स क्वार्टर में बाकी एनिमल्स है इसे भी एक केज में रख देते हैं बट प्रॉब्लम ये होती है कि टोटो वहां पे बाकी एनिमल्स को रात को सोने नहीं देता है तो इसकी वजह से क्योंकि ग्रांड फादर नेक्स्ट नेक्स डे जो है देहरादून को छोड़कर सहारनपुर जाने वाले थे बिकॉज उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी और यहां पर टोटो को उनसे ज्यादा अच्छा हैंडल नहीं कर सकता था कोई तो वो भी टोटो को अपने साथ ले जाने का डिसीजन लेते हैं कुछ रीजन की वजह से नरेटो वॉज नॉट एबल टू गो विद्र बट जो ग्रांड फादर है बैक एंड ही द स्टोरी टू दिस बॉय और वही अब हमें बता रहे हैं तो अभी तक हमें यह पता है कि ये पहुंच चुके हैं रेलवे प्लेटफॉर्म

जाते हैं और मंकी जो है तब भी नहीं दिखता है को कोई ना कोई देख लेता है एवरी थिंग वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल राइट तो यहां तक स्टोरी हम जानते हैं चलिए अब आगे का कंटिन्यूएशन देखते हैं एट प्लेटफॉर्म नेक्स्ट क्लियर ऑल राइट सो टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिस्स टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल टोटो सडनली आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड अब क्या होता है टोटो को इस बैग में रखा है ना इस यू नो कैनवस बैग में जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको यू नो बाइट करके भी बाहर आना टोटो के लिए पॉसिबल नहीं है बट क्या होता है जब तक सहारनपुर आता है यानी कि जहां पर ग्रैंड फादर गए हैं नरेटर के अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए टिल दैट पॉइंट ही वॉज देयर इन द बैड दैट इज टोटो वॉज देर इन द बैड was able to एबल टू सी was able to एबल टू नो or a monkey इज केप्ट इन द बैड बट फाद में क्या होता है जैसे ही सहारनपुर स्टेशन पे ग्रैंडफादर पहुंचते हैं जैसे ही ग्रैंडफादर जो है इसका क्या है आपने देखा होगा कि ऐसे बॉक्स लगे होते हैं और आप टिकट को यहां पे रखते हो और वो गेट खुलते हो और आप चले जाते हो बहुत जगह देखा होगा अगर आप मेट्रो में गए हो कभी मुंबई वगैरह में तो वहां पर भी ऐसा सिस्टम होता है बहुत सारी जगहों पे ऐसे गेट्स होते हैं अगर आपने कभी देखा हो सो यू नो वॉट एक्चुअली आई मेंट बाय टर्न स्टाइल क्लियर तो वो जो है अपनी टिकट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी वो गेट ओपन होगा कि हाँ भाई इसके पास टिकट है कैन गो उसी वक्त क्या होता है टोटो जो है वो अपने बैग से बाहर निकल गए हैं हैं और और अपना हेड बाहर बाहर पोक कर रहे यानी कि उनका मुंह है है ये जो है, क्या करते हैं जो टिकट कलेक्टर है जो टीसी है जो कि वहां पर प्रेजेंट होते हैं टू चेक द टिकट्स ऑफ द पीपल उनको वो एक वाइड ग्रीन देता है टोटो ग्रीन मींस ब्रॉड स्माइल यानी कि इमेजिन करो कि ग्रैंडफादर फादर है उनके पास बैग है उसमें क्या है टोटो है और ये जो है अपनी टिकट जब तक रख रहे हैं या फिर टर्न स्टाइल पर यू नो ही इज प्रोड्यूसिंग द टिकट उस वक्त टीसी खड़े हुए हैं और एकदम से टोटो बैग के बाहर आता है और बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता है किसको टीसी को अब ऑब्वियसली मंकी जो है इतनी ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि मंकी जो हर किसी के बैग में होते हैं तो ये टीसी का कुछ रिएक्शन अजीब ही होना चाहिए राइट ही मस्ट गेरिंग अ फ्रेड या फिर वो थोड़े बहुत शॉर्ट हो जाना चाहिए उनको कुछ तो ऐसा रिएक्शन होना चाहिए उनका लेट्स रीड कि जैसे ही टीसी को यू नो ये बाहर निकल के टोटो देखते हैं और एक अच्छी सी स्माइल देते हैं तो क्या रिएक्शन होता है टिकट कलेक्टर का क्लियर ऑल राइट द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर नॉइंस ही सेट सर यू हैव अ डॉग विथ यू यू विल हैव टू पे फॉर इट

PC, कि सर आपके पास एक डॉग है और ऐसा रूल है कि आप अगर अपने साथ डॉग को लेकर जा रहे हो तो आपको डॉग के भी पैसे भरने पड़ेंगे उसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी तो देखते वो टोटो को है मंकी को है बट बोलते क्या हैं कि वो क्या है एक डॉग है यानी कि मंकी जो है वो भी एक एनिमल है बट वो सॉर्ट ऑफ उससे डॉग से कंपेयर करें क्योंकि लिस्ट में मंकी तो लिखा नहीं होगा लोग मंकी को लेकर थोड़ा तो ट्रैवल करते हैं तो लिस्ट में क्या है डॉग है और वो यहां पे यही बोलना चाह रहे हैं कि मंकी भी एक ह्यूमन तो है नहीं तो वो क्या है एक डॉग है यानी कि हमको इसके भी पैसे चाहिए वी मनी फॉर दिस मंकी टू क्लियर ऑलराइट राइट चलिए देखते हैं ग्रैंड फादर का क्या रिएक्शन है इज ही गोइंग टू पे द मनी और वॉट है बैग इन वेन prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. अब क्या होता है इन मतलब सक्सेसफुल अटेम्प्ट जब ऐसा हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट हो गई या हमारे सारे एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो गए तो हम बोलते हैं आर ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन वेन मतलब बर्बाद हो जाना वेस्ट हो जाना तो यहां पे ग्रैंड जो है बिल्कुल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है उनका यानी कि वो नहीं बचा पाए टोटो को यू नो बैक के अंदर ही रही रख रह पाए हाइड नहीं कर पाए तो इससे क्या होता है उनके अटैम्प्ट फेल हो गए तो वो ग्रैंड क्या करते हैं उसको टोटो को बाहर निकालते हैं बैक से फिर वो करते हैं कि वो प्रूफ करें कि भाई ये मंकी है ये डॉग नहीं है टोटो क्या है एक बंदर है वो एक डॉग नहीं है और इवन एज ए क्वाड्रप्ट क्वाड्रप्ट क्या होते हैं एन एनिमल विच हैज फोर फीट और ना ही एक ऐसा एनिमल है जिसके चार पैर हो ठीक है तो अगर डॉग को अगर क्वालिफाई करना है मंकी को एज अ डॉग तो ऑब्वियसली प्रूफ करना पड़ेगा कि वो क्वार्रिप्ट है या फिर कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके फीट बट मंकी का तो ऐसा होता नहीं है तो वो जो है यहाँ पर यही प्रूफ कर रहे हैं बट उनकी कोशिश जो है वो वेस्ट हो जाएगी वो वेन यानी कि एफर्ट्स जो है वो अनसक्सेसफुल होंगे क्योंकि वो ये भी नहीं प्रूफ कर पाएंगे ऑब्वियसली कि मंकी जो है वो डॉग की तरह क्वालिफाई नहीं करता ही इज नॉट अ क्वार्रिप्ट और जो टी सी है आई थिंक वो अभी भी यही बोलेंगे हमको पैसे चाहिए क्लियर टोटो वॉज क्लासिफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड थ्री रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर और टोटो जो है वो जो टीसी हैं वो टोटो को यही बोलते हैं कि नहीं भाई दिस एनिमल इज क्लासिफाइड एज डॉग भले आप कितना भी बोल लो ये एक डॉग वाली कैटेगरी में आता है मतलब जब हम किसी यू you नो know, पैसेंजर को डॉग के साथ देखते हैं या फिर वो डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक टिकट लेते हैं उसकी यानी हम उसके लिए भी पैसे लेते हैं तो आपको भी मंकी के उतने ही पैसे देने पड़ेंगे तो टीसी जो है वो फॉर्म थे अपने डिसीजन पे दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एनिमल एज अ डॉग ओनली एंड यू नीड टू पे द मनी तो कितने रुपए देने पड़ते हैं उनको थ्री रुपीज देने पड़ते हैं एज फेयर फेयर का मतलब क्या है टिकट मार्केट प्राइस क्लियर यानी किराया तो यहाँ पर ये चीज देखो कि बेचारे खरीदा कितना था ग्रैंड फादर ने पांच रुपए में और अब उसके तीन रुपए लग रहे हैं ट्रैवलिंग के सो दिस इज समथिंग जो सॉफ्ट ऑब्वियसली ग्रैंड फादर के अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट हो जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते टोडो को चुपचाप यूनो you छुपा know, कर सहारनपुर ले जाने में सो दिस इज हाउ यहाँ पे वर्ड वेन का यूज किया गया है क्लियर ऑल राइट देन ग्रैंड फादर जस्ट टू

फिर प्रो प्रोडेड इट प्रोडेड का मतलब होता है पुश्ड इट यानी कि अपनी फिंगर से उसको थोड़ा हिलाया कि वो थोड़ा हिले यू you नो know, हाथ से एंड देन फिर उन्होंने पादर को एक बहुत ही खुशी वाली स्माइल और बहुत ही ऐसा लुक दिया जैसे कि वो जीत गए हो एक विक्ट्री भरा जो लुक होता है ना प्राउड वाला की हाँ द आर्ग्यूमेंट वैसा एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे था और वो बोलते हैं नहीं nee, नहीं nee, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डॉग नहीं है यानी कि उनके लिए जो डॉग की तरह है यानी जो एनिमल चल रहा है बड़ा सा है यू नो और सॉर्ट ऑफ उसके पैसे लगने

When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब हमें पता है ना कि इन लोगों ने decide किया था कि जैसे ही grandmother would be in a good mood, ये जो है उन्हें बता देंगे कि हाँ भाई Toto है, monkey है, जिसे हम अपने घर पर लेकर आएं। तो फाइनली कुछ टाइम बाद क्या होता है ये जो ग्रैंड मदर है शी एक्सेप्टेड

फैमिली डॉकी नाना और वहां पर एक डॉन्की भी है जिसका नाम क्या है नाना फैमिली डोंकी यानी कि यह ग्रांड फादर की फैमिली जैसा ही है क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि वेन वी ऑल्सो कीप अ पेट जैसे अगर आपके पास कोई डॉग हो कोई कैट हो या आपके पास रैट हो माउस हो बहुत सारी चीजें पालते हैं लोग पैरट हो तो आप जो है उसको कुछ टाइम बाद एज अ फैमिली मेंबर कंसिडर करने लगते हो और अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हो जाता है उसकी ठीक नहीं रहती या यू लूज द पेट तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ता है आपके ऊपर द वे यू नो लूजिंग एनी फैमिली मेंबर वुड क्रिएट तो इसी तरीके से यहां पर भी मेरेटर के ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने इतने सारे एनिमल्स को रखा है बिकॉज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स तो उनके लिए सारे एनिमल्स क्या हैं फैमिली मेंबर्स जैसे और वहां स्टेबल में भी एक क्या है डोंकी है जिसका नाम रखा गया है नाना और वो भी इनके लिए एक फैमिली मेंबर जैसा है और ये क्या है एक कंपेनियन है एक फ्रेंड है किसका टोटो -टो का क्लियर तो स्टेबल में उसको घर दिया गया है और वहां पर नाना नाम का डोंकी रहता है जो कि सॉर्ट ऑफ फ्रेंड है एक कंपेनियन है किसका टोटो द लिटिल मंकी का क्लियर ऑल राइट ज फर्स्ट नाइट इन देशर पेड हेम विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल अब ऑब्वियसली वो देखना चाहते थे कि भाई स्टेबल में टोटो जो है वो खुश है कि नहीं है इजी कम्फर्टेबल और नॉट तो ग्रैंड फादर जो है जब फर्स्ट नाइट यानी कि जब पहला दिन होता है टोटो का स्टेबल में और वो जो है आराम से सो रहा है कि नहीं सो रहा है या फिर वो नॉर्मली यू नो रह पा रहा है वहां पर कि नहीं तो ये चेक करने के लिए ग्रैंड फादर जो है विजिट करते हैं लेट सी उनको क्या देखने को मिलता है इज टोटो कंफर्टेबल इन द स्टेबल और नॉट So to to he found Nana without apparent cause pulling at her her halter and trying to keep her head as far as far possible from a bundle of hay. और यहां जैसे ही ग्रैंड जाते हैं तो बड़े क्या देखते हैं उनको दिख रहा है विदाउट एनी अट कॉज बिना किसी रीजन के कुछ एक्टिविटी कर रहा है क्या कर रहा है पुलिंग एट हर हॉल्टर हॉल्टर का मतलब क्या होता है अ रोप और स्ट्रैप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अनादर एनिमल यूज फॉर लीडिंग और टेथरिंग इट इसका मतलब क्या है अगर आपने कभी भी हॉर्स को देखा हो तो आपको पता होगा एक यू नो रोप बांधी होती है और उसको पकड़ के यू नो हॉर्स राइडिंग करते हैं सिमिलरली यही रोप कहाँ लगी हुई है यही रोप लगी हुई थी डोंकी के फेस पे ये तो हॉर्स है जस्ट टू शो कि क्या करते हैं यू नो डोंकी के साथ तो वहां पर वो देखते हैं कि यू you नो know, एक हॉल्टर लगा हुआ है किसके नाना के फेस पे और वो हॉल्टर को बेमतलब पुल कर

ग्रैंड फादर गेव नाना अलैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जैक ड्रैगिंग टो टो विथ हर तो फाइनली क्या होता है ग्रांड फादर करते क्या है वो जो है उसको हॉन्चेस पे यानी उसके बैक पे

तो ये होता है कि ही हैड यानी टोटो ने क्या किया है फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स शार्प लिटिल टीथ यानी कि उसके जो टीथ है ना उसके जो दांत हैं उससे उसने उसके जो कान है यानी कि सॉर्ट sort ऑफ of इस तरीके से रिएक्ट किया है जिसकी वजह से वो डोंकी जो है बहुत ज्यादा इरीटेटेड फील कर रही है और इस वजह से टोटो और नाना जो है कभी भी दोस्त नहीं बन पाते यानी इस तरीके से रिएक्ट करता है कौन टोटो उसके साथ डोंकी के साथ कि उसको यू नो अपनी टीथ की हेल्प से क्या कर रहा है उसके लॉन्ग ईयर्स पे काट रहा है या फिर यू नो उसको प्रॉपर परेशान कर रहा है तो इस वजह से वो दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन पाए अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बोल ऑफ वॉर्म वाटर गिवन बाय हिम तो so, पे क्या बताया गया है कि जब you know, का समय आता था या फिर सुबह सुबह का टाइम है तो टोटो के लिए सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता था कि जब मदर जो, तो जो है नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता था अगर सर्दियों के टाइम पे सुबह सुबह तो उसके लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती थी पार्टी है उसको बड़ा अच्छा लगता था नहाना तो यहाँ पे चीज जो है

गर्म कितना ज्यादा तो नहीं है तो ये मंकी भी वही कर रहा है तो वो भी क्या करता था बड़े ही चालाकी से पहले पानी के टेम्परेचर को चेक करता था कि ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा तो नहीं है और कैसे करता था ये फिर धीरे धीरे यूनो जो भी बोल था उसमें उतरता था पहले वो एक लेग डालेगा फिर दूसरा लेग डालेगा फिर बैठेगा पूरे पानी में ताकि वो अच्छे से नहा सके करते थे और हमें पता भी है वंकी बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं तो वो भी यही चीजें करता था वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिस्स नेक और जब तक उसके नेक तक जो है वो पूरा पानी में नहीं चला जाता था वो इसी तरीके से धीरे धीरे पानी में जाने लगता था वन कंफर्टेबल

मजा नहीं आ रहा है वो बाहर आता था जल्दी से और फिर भागता था किचन की तरफ ताकि वहां पर जो किचन फायर है जो भी चूल्हा चल रहा है जो भी फायर है उससे वो अपने आप को ड्राई कर सके क्लियर ऑल राइट If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt, and he would refuse to go on with his bath. अब क्या होता था जब भी उन्होंने अगर Toto को इस तरीके से हरकत करा, हमें पढ़ के ही हंसी आ रही है आप देखो आप देख रहे हो कि भाई मंकी है बढ़िया पानी से नहा रहा है अपने आप को यू नो साबुन से रब कर रहा है सोप ले रहा है तो ये सब चीजें देखकर आपको भी हंसी आएंगी तो इसको भी देखकर बहुत से लोग जो है हंसने लगते थे और इसे देखकर टोटो की फीलिंग्स बहुत हर्ट हो जाती थी उसको तो बड़ा बुरा लगता था और फिर वो कंटिन्यू ही नहीं करता था बेथिंग यानी किल्फ One day, nearly succeeded in boiling himself alive. और एक दिन की बात बताते हैं नरेटर की कुछ ऐसा हुआ कि टोटो ऑलमोस्ट अपने आप को जिंदा जो है बॉइल करने वाला था ऐसे कैसे क्या हुआ अ लार्ज किचन केटल्ट ऑन दायर टू बॉय टी एंड एक बार क्या हो रहा था किचन में जो है बहुत बड़ी केटल जिसमें चाय वगैरह होती है आपने देखा होगा तो बहुत बड़ी केटल को जो है गर्म करने के लिए रख दिया था किस पे फायर पे और वहां पर जो है टी जो है बॉयल हो रही है चाय बढ़िया उबल रही है और टोटो के पास कोई काम था नहीं वॉज फ्री राइट तो वो क्या करता है जाता है किचन में उसका मन होता है कि वो लिड उठा के देखे ढक्कन के देखे तो वो लिड जो है वो ओपन करके देखता है वोटर जस्ट वॉम फॉर अ बेथ ही और उसको जो है पानी परफेक्ट लगता है टेम्परेचर परफेक्ट लगता है उसके नहाने के लिए क्या करता है वो सीधे जाके उसमें बैठ जाता है और क्या हो रहा है भाई पानी बॉइल हो रहा है फायर पे है पानी तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो अपने आपको अलाइव बॉइल करने वाला है लेट सी नेक्स्ट क्या होता है सो ही इज सिटिंग इन द केटल एंड दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल एंटिल द वॉटर बिगेन टू बॉइल और थोड़ी देर के लिए टोटो को बड़ा मजा आ रहा था बहुत वार्म वाटर था बट जैसे ही पानी उबलने लगता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है

ग्रैंड मदर जो है वह एंटर करती है किचन में और वो फिर उनको बाहर निकालती है केटल से ऑलमोस्ट हाफ बॉइल्ड यानी कि आधा वो बॉइल हो चुका था उबल चुका था मंकी और अब जो है ऑलमोस्ट ही वॉज गोइंग टू गेट कम्प्लीटली बॉइल्ड बट बिफोर दैट ग्रांड मदर एंटर फॉर्चुनेटली और वो उसको बाहर निकालती है हॉल डिम का मतलब क्या है पुल डेम आउट यानी उसको खींच के बाहर निकालती है क्लियर ऑल राइट

था। जैसे कि अगर कभी भी उसको कोई चीज़ चीज़ मिलती थी तो वो हर एक चीज़ को पीसेस में फाड़ देता था। For example, उनकी जब आंट जो ड्रेस ले और उसमें एक होल बना दे एटली थोड़ी तो ड्रेस वो फाड़ी दे तो ये उसका काम था उसको बड़ा मजा आता था ये सब करने में सो दिस प्रूफ हो रहा है धीरे धीरे कि ज्यादा प्लेफुल कितना था One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो so, एक दिन क्या होता है डाइनिंग टेबल पे पूरी जो है पुलाव की प्लेट रखी है और टोटो क्या कर रहा है वो उसी चावल के साथ खेल रहा है माई and Toto क्रीम a plate at her. Obviously खाना रखा हुआ है वो खराब कर रहा है तो ग्रैंड मदर एकदम से जोर से चिल्लाती है टोटो पे टोटो को गुस्सा आता है वो प्लेट लेता है और ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक देता है One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. तो क्या होता है एकदम से वांट आती है पानी लेके आती है क्योंकि पुलाव फेंक दिया ना ग्रैंड मदर के मुंह पे तो वो जो है पानी लेके जाती है उनको हेल्प करने और जैसे ही ग्रैंड फादर वापस आते हैं तो टोटो वो पुलाव की प्लेट लेकर विंडो से भाग जाता है वी फाउंड इम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स और फिर वो उसको जैक फ्रूट ट्री में यू you नो know, मिलती है जैक फ्रूट यानी कटहर बोलते हैं उसको आप हिंदी में तो वो पूरे पेड़ लगे हुए हैं और वहां टोटो अब -टो उस प्लेट के साथ वहीं पे बैठा हुआ है He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और वहां पे पूरी दोपहर में बैठा हुआ था और हर एक चावल का दाना उसने make sure किया कि वो सब कुछ खा ले

इतने ज्यादा मस्तीखोर थे कौन टोटो क्लियर ऑबवियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड की फॉर लॉन्ग इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट अब इस तरीके की मिसचीवियस हरकतें कर रहा है टोटो प्लेट फेंक दे रहा है प्लेट तोड़ दे रहा है कोई घर में आता है तो उनकी ड्रेस फाड़ देता है उसमें होल कर देता है तो ही वॉज नॉट अ यू नो मंकी ही वॉज नॉट एन एनिमल जिसको बहुत टाइम तक घर में रख सकते हैं क्योंकि वो अभी तो छोटा है तो ऐसी हरकतें कर रहा है जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा राइट तो इसीलिए इन लोगों को समझ आ गया था कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जिसको घर में बहुत टाइम तक रखा जाए और ये चीज जो है वो ग्रैंड फादर भी समझ चुके थे बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स तो उनके लिए ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था सो ही ऑल्सो रियलाइज की टोटो को घर में ज्यादा टाइम तक रखना जो है सही नहीं है वी वर नॉट वेल टू डू एंड नॉट

फाउंड टोंगा सोल्ड टोटो बैक टू हेम फॉर ओनली थ्री रुपीज और इसीलिए ग्रैंड फादर जो है वो टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढते हैं उसी हॉर्स कार ड्राइवर को जिनसे टोटो को खरीदा था और फाइनली वो टोटो को जो है उन्हें वापस करते हैं। कितने रुपए में तीन रुपए में यानी कि वो जो टिकट के पैसे लगे थे ना वो तो निकल गए ओके जस्ट जोकिंग तो यहाँ पे यही चीज है कि वो जो है तीन रुपए में वापस से टोटो को सेल कर देते हैं यानी पांच रुपए में उन्होंने खरीदा था तीन रुपए में उसको वापस सेल करते हैं सो दिस इज हाउ फाइनली वो ये डिसीजन लेते हैं कि टोटो को जो है वापस कर देना चाहिए क्लियर ऑल राइट विथ दिस वी फाइनली कम टू एन एंड ऑफ द स्टोरी दैट इज दू ऑफर एडवेंचर ऑफ टोटो अब आपको समझ आ गया होगा क्लियरली एडवेंचर क्यों बोला टोटो की होती थी प्लेट तोड़ देना वॉल पेपर यू नो पूरा स्क्रैच कर देना श्रेड कर देना पूरे ब्लेजर को हुक तोड़ के भाग जाना फिर प्लेट के साथ भाग जाना ट्री पे पूरा खा लेना पुलाव को और फिर उसको तोड़ देना ग्रैंड मदर के ऊपर पुलाव की प्लेट फेंक देना ये सब चीजें जो है वो क्या है सारी मिस्चीव है तो उसके लिए क्या था एडवेंचर थे उसको बड़ा मजा आता था थ्रिलिंग

They are meant to live in their natural habitat that is forest.

आर मेन टू लिव इन अचुरल हैबिटिट नॉट क्योंकि उनकी वैसी नेचुरल कैरेक्टर होती हैं क्लियर सो दिस इज हाउ ये चैप्टर आपको बहुत दो देता है कन्वेड थ्रू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत ही मजेदार स्टोरी थी घर पर रखना पॉसिबल नहीं था सो ऑल ओके वी जस्ट कम टू एन एंड ऑफ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर बट इन नेक्स्ट वीडियो हम पूरी समरी जो है फिर से देखेंगे इस चैप्टर की सो दट वी रिवाइजर कंप्लीटली वन डन ऑल राइट चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेरी सुन विदिक टिल दे टे केर ऑफ योर सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच